नमस्कार मनीष भाई, बढ़िया। पहले चीज़ मैं आप लोगों को सपोज क्लियर कर देता हूँ भाई। कुछ बंदे हमारी जान पहचान के, कुछ बंदे हैं जैसे मनीष है नहीं जानते हैं, मतलब पर्सनली पीछे से जान पहचान नहीं। इसके अंदर बहुत से बंदे जैसे ये है, ये तो बिल्कुल मनीष के बाद मेरी इनसे मुलाकात हुई है, यानी 2-3 दिन पहले। इससे पहले मैं एक दूसरे को हम नहीं जानते, इसको कोई जानने वाला मेरे को जानता, तो हम किसी के कोई रिश्तेदार कोई वो बात। और मैं अपनी ड्यूटी के दौरान में हमेशा ही कोशिश रहती है कि मैं सबसे एक व्यवहार करूँ, किसी से ऐसा नहीं होता कि ये मेरा बहुत करीबी है। मैं अगर गलती होती है तो इसको भी उतना ही डांटता हूँ, उतना ही बोलता हूँ, ठीक है। तो वो जब मैं आपके दोबारा से यहाँ पे अनूप सर आ जाएंगे तो मैं दोबारा से आप लोगों के साथ ही ड्यूटी करूँगा, तो आप लोगों से 2 बजे कि मैं किसी को बिगाड़ के नहीं रखना चाहता, ठीक है। जो भी मैं एक चीज, तुम ड्यूटी कर रहे थे कल परसों वहाँ पे, तो कहाँ पे पहले 12 बजे तक कहाँ ड्यूटी थी? 12-1 बजे तक बाहर थे, मैंने बोला था, ठीक है। उससे पहले एक दिन पहले कौन था तुम, कौन कहाँ थे, ठीक है मनीष। मैं तुझे इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मन में तेरे को डाउट आएगा कि यार बंदा मेरे को कोई भी भाई बिल्कुल परेशान नहीं, इसलिए ऐसा मैंने किया था कि क्या अंदर बंदा बैठा रहता है ना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है पता नहीं चलता है, वो उठता नहीं है, तो वो बड़ा इमेज जो है सिक्योरिटी की ख़राब जाती है सबके नज़र। तो मैं ये कह रहा कि 12-1 बजे तक थोड़ी एक्टिविटी होती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, तो कम से कम कोई आएगा तो ऑटोमेटिक बंदा उठेगा, थोड़ी सी वो देगा। और जब हम कोई सीनियर या कोई भी क्लाइंट इस तरह के लोग आते हैं और हम उनके आगे खड़े होते हैं, तब हम ये पता चलता है कि गार्ड अलर्ट है और हमारा सम्मान भी करते हैं, ठीक है। तो यही मेरा मकसद था, पहला चीज़। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई वो नहीं। चाय पानी के लिए मैंने अभी सर से बात किया है, खुद ही पर्सनली मैंने खुद बोला है कि यहाँ पे चाय की दिक्कत है, पहले हो पाता था, कैसे करते थे हम लोग बताया वो तरीका, अभी नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बोला 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं इसको प्रोवाइड करवाने की 100% कोशिश करूँगा, हो भी जाएगा तो हो जाएगा। अभी नाइट में जितने भी लड़के हैं बारी बारी से, मतलब एक घंटे के बाद कोई राउंड करेगा, जैसे तुम एक बार राउंड करके आए, 1 घंटे के बाद दूसरा बंदा ये राउंड पे निकलेगा। राउंड नीचे बेसमेंट में एक बार चले जाओ, अगर बेसमेंट में कोई दिक्कत लग रहा है तो बताओ भाई मैं भी चल रहा था। एक राउंड पूरा ये करके आएगा, फिर उस वो आ जाएगा, 1 घंटे बाद दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, ऐसे करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो हम लोगों को जो नींद से लड़ने की क्षमता मिलेगी, नींद से हम थोड़ा नींद भी नहीं आएगी, ऐसा गौरव सर का कहना है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि एक राउंड भी हो जाएगा तो कैमरे में भी आता है कि भाई लड़के अपना अलग ड्यूटी करते हैं। तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किसी भी अदर डिपार्टमेंट से ना ही बात करना है, ना ही दोस्ती रखना है, मतलब से मतलब रखना है, ठीक है। कोई आपके पोस्ट पे आके ज़्यादा देर तक खड़ा होता है बात करता है, उससे पूछो भाई क्या वजह है। और अगर कोई फोटो या वीडियो या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश करता है तुरंत बताओ, उसका मोबाइल भी छीना जाएगा, उसका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। उसका मोबाइल जब्त होगा, उसको गौरव सर को हैंड ओवर किया जाएगा, गौरव सर उसको हैंड ओवर देंगे, ठीक है। क्लियर बता दें कि उसका मोबाइल जब्त हो जाएगा। अगर कोई गाली गलौज करता है, कोई बदतमीजी करता है, ठीक है, उससे वो बताना है हमें पहले, सबसे पहले उससे हम प्यार से बात करेंगे। फिर भी नहीं समझता तो उसके लिए जो हो सकता है उसके लिए करेंगे। एक चीज़ इम्पोर्टेंट, यहाँ से चाबी 2 बार जा चुकी है, एक बार 2004 की चाबी खो चुकी है, ये नहीं पता कि किसकी वजह से हुई है, किसने किया है, मगर हुआ है। आज लिफ्ट की चाबी गायब हो गई, काफ़ी परेशान थे, बड़ी मुश्किलों से जान छूटा है, हम लोगों ने माफ़ी मांगा है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो इस रूम में जिसकी ड्यूटी होगी यहाँ मेन गेट पे, वो बंदा तो अनजान करेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही होगी कि अगर कोई चीज़ यहाँ से खोती है तो उसकी भी जिम्मेदारी उतनी होगी जितना हेड गार्ड की होगी। और दूसरी पोस्ट पर अगर कोई बंदा है तो वो बंदा यहाँ गेट तक तो खड़ा हो पाएगा, अंदर जाना है तो सबसे पहले बताएगा कि भाई मैं इस वजह से आया हूँ, अंदर जा रहा हूँ। अंदर ऐसे नहीं घुसेगा, क्योंकि अंदर घुसा वो और कैमरे में आता है और कोई चीज़ खोती है तो उसी से पूछा जाएगा, पूरा जिम्मेदारी उसी में हो जाएगी, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, क्योंकि चाबी गायब हो रही है। और इसमें हमें शक है कि अपने ही बंदों में से कोई मजाक कर रहा है, मस्ती दे रहा है, और उस चक्कर में हम लोगों की क्लास लग जा रही है, ठीक है। सहली मंडी का तो सबको बताइए कि लेट आएगी। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, एक बंदा कल से हमारे पोस्ट पे एक्स्ट्रा हो जाएगा। अभी ये हुआ है कि कोई गलती करेगा
जो गलती बर्दाश्त करने के बाहर हो जाएगी तो वो बंदा या तो चला जाएगा, और या तो फिर जब तक कोई बंदा ऐसा कुछ हरकत नहीं करता है तो कोई छुट्टी पे जाएगा तब बंदा पूरे हो जाएंगे। जैसे श्याम जी का पता चल रहा है कि छुट्टी पे जाने वाला है, आगे सुशील का भी पता चल रहा है छुट्टी पे जाने वाला है, और मेरा भी पता चल रहा है कि छुट्टी पे जाने वाला हूँ, ठीक है। तो जब तक कोई बंदा छुट्टी पे नहीं जाएगा तब तक हर रोज़ एक बंदे को ऑफ मिलेगा। ऑफ का मतलब किसी को पता हो भाई आप लोगों को बता देता हूँ, ऑफ का मतलब जिसको पता है ठीक है, नहीं पता मैं बता देता हूँ। ऑफ का मतलब यह है कि हर रोज़ आप में से कोई एक बंदा छुट्टी पे रहेगा ताकि दूसरे को भी बराबर ड्यूटी मिल सके। यानी कि आप पहले आपका महीने में जो फुल ड्यूटी होती थी उसमें एक या दो छुट्टियाँ आप लोगों के सबके हिस्से पड़ेगी, उससे आपकी सैलरी पे भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, सैलरी कम आएगी। मगर ओवर टाइम जैसा बंदा शॉर्ट होगा, दो तीन बंदे जब शॉर्ट होंगे तो ओवर टाइम भी निकलेगा, तो उसी ओवर टाइम में उस बंदे को कवर कर दिया जाएगा। जो बंदा जहाँ ड्यूटी पर प्रेजेंट रहेगा वो ओवर टाइम करके पूरा कर लेगा। फिलहाल किसी की नौकरी ना यहाँ से छूटे, किसी की छुट्टी ना हो, इसके लिए यह ज़रूरी है कि एक बंदे को हर रोज ऑफ दें। किसी को कोई प्रॉब्लम है मनीष भाई? प्रॉब्लम कोई ऑफ रहेगा ये भाई? चंदन सर ने किसी वजह से किया, आगे छुट्टी भी जाने वाला है, दो चार दिन पाँच दिन के बाद ये छुट्टी पर जाएगा, हो सकता है छः दिन में जाए या दस दिन के, मगर इतना बताइए इसी महीने ये भी छुट्टी पर जाने वाला है और उसका भी पता चल रहा है और शायद मैं भी, ठीक है। तो आठ दस दिन ये है, और क्यों भर्ती हुआ ये सब भाई बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि मेरे को भर्ती का नहीं पता था कि कोई बंदा भर्ती हो रहा है, सर को भी नॉलेज नहीं थी, सर भी मेरे को ये मैसेज मेरे को सर ने दिया है कि आज एक बंदा भर्ती हो गया। मैंने उनसे पूछा, उनसे बात किया, उनसे यही बात हुआ कि एक बंदा छुट्टी पे रहेगा, ऑफ पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब बंदे शॉर्ट होंगे या पूरे होंगे तो वो कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल ये रहेगी, तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो भाई क्या करूँ, फिर चंदन सर से बात कर लो, प्रॉब्लम दूसरी साइड में भेज देंगे, वहाँ फुल ड्यूटी मिल जाएगी, हो सकता है ओवर टाइम भी मिल जाए। इस साइड पर एक बंदा हर रोज छुट्टी पे रहेगा जब तक कोई बंदा यहाँ से नहीं आता है, क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत? क्लियर भाई? अलर्ट रहना, अपने अपने ड्यूटी पे रहना, किसी से कोई दोस्ती नहीं, और कोई दिक्कत तकलीफ हो बताना भाई, बराबर ही सबको हेल्प मिलेगी, कोई वैसा नहीं है कि कोई सगा वगैरह नहीं है मेरा, क्लियर बताना। ड्यूटी के दौरान मैं वैसे ही हूँ सबके साथ, अगर मेरा अपना खुद का कोई खास बहुत ज़्यादा ही खास खड़ा हो जाता है ड्यूटी पे उसके साथ भी सेम ही व्यवहार रहता है मेरा। चलो ठीक है, ख़त्म कर, जय हिंद दोस्तों, चलो।